मैं तो कहती हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये यहाँ से जाएंगी, इन्हें भी शांति और हमें भी शांति। ठाकुर जी की कृपा से अब कोकिला की तबीयत पहले से बहुत अच्छी है। मानसी भी यहाँ से जा रही है, अब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सही कहा आपने। अभी मीरा दीदी के होते सब ठीक हो जाए, इम्पॉसिबल। मॉम, अब ये सब क्या करें? आप कहीं नहीं जा रही हो ओके? मीरा प्लीज मत रोको मुझे। यहाँ आकर मैंने अपनी सिर्फ इंसल्ट ही करवाई है बेटा। पहले गोपी, फिर राशि, फिर उस पागल औरत उर्मिला आंटी ने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा। But you know what? इतना सब कुछ हुआ मेरे साथ तब भी मुझे बुरा नहीं लगा जितना आज। अहम ने मुझे कहा बॉम्बे चली जाओ। Now there's no point of staying here, बेटा। I just want to go back. I know, mom. But आप कहीं नहीं जाएंगी। And that's final. अहम चाहता है कि मैं मुंबई वापस चली जाऊँ। तो फिर तुम क्यों मुझे रोक रही हो? मॉम, एक बार जाने से पहले डैड से मिल तो लीजिए। जब आप उनसे मिलेंगी ना, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। मुझे किसी से नहीं मिलना है। मॉम, आपको मेरी कसम। आप इसी घर में रहेंगी मेरे साथ। गाइस, हम बेवजह खुश हो रहे हैं। अभी हम क्रिकेट मैच जीते भी नहीं और फटाके फोड़ने। मेरे को तो लगता है मैच टाई हो जाएगा। थैंक्स टू अ पार्टी स्पॉइलर मिस मीरा मोदी। शट अप दोनों। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। मानसी भले मुंबई ना जाए पर हमारी कोकिला हमारे पास वापस आ गई है। इस बात के लिए तो हम फटाके फोड़ ही सकते हैं। यस दादी, अभी लाते, निकालो पैसे। हेलो, क्या हुआ गोपी? वो चेहरा इतना उदास क्यों है? सच कहो, आज मेरी गोपी वो ने मुझे जीवन दान दिया। यदि तुम ना होती तो मैं मर जा। माँ जी, ऐसा कभी मत बोलिएगा, कभी भी नहीं। आपको कुछ भी नहीं होता और भगवान करे आपको मेरी भी उम्र लग जाए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। माँ जी, आप मेरे लिए सिर्फ एक माँ या एक सास नहीं है, आप मेरे लिए मेरी दुनिया है। भले ही दुनिया के लिए मैं गोपी बहू, क्योंकि वही मेरा वजूद है, लेकिन मैं जिसकी बहू हूं अगर वही नहीं रहेंगी तो मेरा अस्तित्व ही नहीं बचेगा। और मेरा ही नहीं, अहम जी, राशि, पूरा मोदी परिवार कोकिला मोदी के बिना अधूरा। बोलना तो दूर की बात, आप सोचना भी मत हमें छोड़ के जाने का। आपको जीना होगा हमारे लिए। कृष्ण भगवान ने मुझे जीवित रखा है तो उसके पीछे भी एक मकसद छिपा हुआ। मेरे जीने का मकसद है मानसी, तुम्हें मेरी बात का इतना बुरा लग कि तुम जाने के लिए तैयार हो? हाँ अहम, चूंकि अब मैं यहाँ रहकर तुम्हारे और तुम्हारे फैमिली के लिए प्रॉब्लम नहीं बढ़ाना चाहती। इनफैक्ट मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहती थी। मीरा ने मुझे अपनी कसम दी इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। एनीवेज, चलती हूँ। मानसी,
अहम, तुमने मेरा हाथ तो थाम लिया, लेकिन उस हाथ का क्या जिसे तुम इतने सालों तक नहीं छोड़ पाए हो? मैं सच कह रही हूं ना, चाह कर भी नहीं छोड़ पा रहे हो ना वो हाथ और ना ही वो साथ। ऐसा क्यों कह रही हूं मानसी? अहम, मैं कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं बना रही हूं, मैं वही कह रही हूं जो मैंने देखा। आज सुबह तुम और गोपी इस तरह बात कर रहे थे मानो तुम दोनों ने 10 साल का फासला एक ही दिन में तय कर दिया हो। से जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं, तुम बिना वजह मैं आपके इनसिक्योर फील करती हूं और कुछ नहीं। ऐसा तुम्हें लगता है मेरी इनसिक्योरिटी के पीछे एक खास वजह है? मैं क्या करूं बाजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो, बहुत। जिन हाथों को जोड़कर अग्नि के सामने जिंदगी भर हिम्मत की इज्जत करूंगी, और इन्हीं हाथों से मैंने अहम जी को थप्पड़ मारा। यही मेरा सबसे बड़ा डर है अहम। वहां से तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं और गोपी फिर से? क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखों में साफ दिखाई देता है, तुम्हारी एक्स वाइफ गोपी के लिए तुम्हारे दिल में आज भी वही फीलिंग्स है अहम। Are you mad or what? अहम, भले ही तुम इस बात को ना एक्सेप्ट करो, लेकिन तुम्हारी आंखें सच्चाई नहीं छिपा सकती। Just stop it, Mansi. सच नहीं सुना जा रहे ना अहम तुमसे? तुम्हारी एक्स वाइफ तुम्हें थप्पड़ मारती है, फिर भी तुम उसे थैंक यू कहते हो, क्यों? मीरा ने जब मिसबिहेव किया तब तुमने उसे सबके सामने डांटा, यहाँ तक कि उस पर हाथ उठाने तक गए थे। यहाँ राजकोट आने के बाद तुम तो मेरे साथ इस तरह से बिहेव कर रहे हो जैसे तुम मुझे पहचानते ही तक नहीं। पिछले 10 सालों से मैं सिर्फ एक ही होप के साथ जी रही हूँ कि कब तुम अपना पास्ट भूल कर मुझे अपने दिल से अपनाओगे। बट यू नो वॉट, मुझे नहीं लगता वो दिन अब मेरी जिंदगी में कभी भी आएगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता? अहम, मुझे तो लगता है मीरा ने जो भी कहा वो सही है कि तुम बदल गए हो। अहम, तुम्हारे पास यहाँ तुम्हारी पूरी फैमिली है, लेकिन मेरे लिए तो मेरी फैमिली भी तुम और मेरी लाइफ भी तुम ही हो। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। गोपी हो, भले ही तुम आवेश में आ गई थी क्योंकि उस वक्त परिस्थिति ऐसी थी, तुमने जो कुछ भी किया गलत नहीं किया। हाँ माँ जी, आप ठीक कह रही हैं, तो बहुत छोटी सी गलती को कहते हैं, पर मैंने जो किया वो अपराध है। अपराध किया है मैंने। नहीं गोपी, वो ऐसा नहीं कहते। मैं अपने आप से नजर नहीं मिला पा रही हूँ बात। जिन हाथों से अहम जी के लिए दिया जलाती आई हूँ, जिन हाथों से उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना किया करती थी, आज पुण्य हाथों को दिया हाथों से खाली कर दिया। मेरी गोपी वो कभी गलत नहीं हो सकती, कभी नहीं। अहम, तुम्हारी फैमिली में 20 लोग हैं जो गोपी को चाहते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेरे सपोर्ट में तो सिर्फ मीरा एंड टू सम एक्सटेंट विद्या, क्योंकि तुमसे तो मैं कभी सपोर्ट एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती ना है। मैं भी तुम्हारी मॉम की देखभाल करना चाहती हूँ। तुम्हारे फैमिली में एक बहू, एक पत्नी, एक माँ बनकर एडजस्ट होना चाहती हूँ, लेकिन मुझे तो कोई चांस नहीं दिया जा रहा, और अगर मैं अपनी तरफ से भी कोई कोशिश करती हूँ तो मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, ये मत करो, ये मत बनाओ, सिक्ट्रा।
आई एम सॉरी टू से अहम, लेकिन जब तक गोपी तुम्हारे फैमिली का हिस्सा रहेगी, मुझे तुम्हारे फैमिली में कभी जगह नहीं मिलेगी, कभी नहीं। मानसी, आई एम सॉरी। मॉम की बीमारी की वजह से मैं समझ नहीं पाया कि तुम पे क्या बीत रही है। And I promise कि गोपी मेरे करीब कभी नहीं आएगी। And trust me, तुम्हें इंसिक्योर होने की जरूरत नहीं। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।